राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा एक रोटी का उपाय जिसको करने से आपकी समस्त समस्याएं जो है वो दूर होती चली जाएंगी। जी हाँ दर्शकों, आज हम बात करेंगे रोटी के एक ऐसे उपाय के बारे में। और रोटी जो है आप सभी को पता है कि हर घर में बनती है और घर घर में बनती है, और ये उपाय अगर हम कर लेते हैं तो आपकी आर्थिक समस्याएं तो दूर होंगी होंगी, आपकी जो समस्याएं जो आपको घर में कलेश रहता है, परेशानी रहती है, कोई नेगेटिव एनर्जी रहती है, वास्तु की कोई दिक्कत रहती है, कोई भी ऐसी आपको दिक्कत परेशानी आपको रहती है, तो ये उपाय आपके जीवन में जो है वो चमत्कार लेकर आएगा, आपकी लाइफ चेंजिंग जो है ये उपाय आपको होगा। तो दर्शकों, क्या करना है आपने, क्या करना है और इसमें जो है ये उपाय करने करते रहने से क्या होता है कि हमारे जन्मों जन्मों के पाप तो हमारे धुलते धुलते हैं, साथ में आपके जीवन में जो भी पितृ दोष से संबंधित हमारी जो समस्याएं हैं वो भी आपकी सॉल्व होती हैं। अब अगर हम बात करें, अगर आप कई लोग कहते हैं कि हमारी तो कुंडली में ही दोष है, हमारे तो जो है हमारे धन की स्थिति जो है वो खराब रहती है, और कई लोगों से हमने मिला, हम कई लोगों से कई एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए, उन्होंने बोला कि आप तो कभी जिंदगी में कमा ही नहीं पाएंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप भी कमा सकते हैं, आप भी करोड़पति बन सकते हैं, रोडपति से करोड़पति मैंने ऐसे लोगों को बनते हुए देखा है जिन्होंने अपनी कुंडलियों पर काम किया है, जिन्होंने अपनी कुंडली का 11वां घर, 11वां भाव जिसे हम धन का भाव कहते हैं उसे खोला है। सेकेंड हाउस होता है आपका जो है, जहां पर आपका धन जो है वो इकट्ठा होगा। 7वां घर होता है हमारी डेली इनकम, जहां से आपको डेली इनकम रोज रोज का रोजमर्रा का पैसा जो है आएगा। 7वां भाव आपकी पार्टनरशिप भी है, 7वां भाव आपका पति और पत्नी का रिलेशनशिप भी है। अगर पति पत्नी का रिलेशनशिप जो है खराब है तो पैसे कैसे आएंगे। जी हाँ, ऐसे ही बड़े सारे योग होते हैं। 11वां भाव पे अगर आपके जो है 11वें भाव का स्वामी आपका 6ठे भाव में बैठ जाए और आपका जो है 8ठम भाव में बैठ जाए या 12वें भाव में बैठ जाए, 11वें भाव का स्वामी 11th हाउस लॉर्ड इज सिटिंग इन द 12th हाउस, तो आप जितना कमाएंगे उतना खर्चा होता चला जाएगा आपका, आप उस खर्चे को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। पैसा आपके पास आएगा और वो पैसा कब आपके पास से छूमंतर हो जाएगा ये आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो ऐसे बड़ी सारी रेमेडीज होती हैं। हम कुंडली पे जब हम चर्चा करते हैं, कुंडली की बात करते हैं, तो ऐसे ग्रहों की हम प्लेसमेंट करते हैं, तो क्या होता है कि ग्रहों की प्लेसमेंट करने से वो जो आपके शुभ ग्रह हैं जो आपको शुभ फल नहीं दे रहे हैं और आपके अशुभ ग्रह हैं जो आपको अशुभ फल ही दे रहे हैं, तो उनको हमें चेंज करना जो है वो आता है। तो उसके लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जो है वो हमसे करवा सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको इतना छोटा सा एक उपाय बता रही हूँ जिसको हर कोई कर सकता है, किसी के पास कुंडली है कुंडली नहीं है, आपका जो है कोई भी दिक्कत परेशानी है, तो आप ये उपाय सभी कर सकते हैं। कोई भी धर्म जाति का व्यक्ति भी ये कर सकता है। तो देखिए, एक रोटी आपको लेनी है, एक रोटी आपको लेनी है। अब ये उपाय करने के लिए आप मेरे से पूछेंगे कि गुरु माँ की रोटी जो है वो प्रत्येक परिवार के सदस्य के लिए एक लेनी है। तो जी हाँ, हर व्यक्ति के लिए आपको एक रोटी लेनी है। जिसको अपना उपाय करना है उसको एक रोटी तो लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि फैमिली में 4 मेंबर है और आपने एक रोटी से काम चलाएंगे, नहीं, सब लोग अपना अपना खाना खाते हैं ना, ऐसे ही आपको एक परिवार के व्यक्ति के लिए एक रोटी आपको बनानी ही पड़ेगी। ये आपने रोटी बनाई, फिर उसके बाद रोटी को आपने क्या करना है कि आपने इसको बीच में से इस प्रकार से आपने काट लेनी है, बीच में से आपने इस प्रकार से इस रोटी को जो है तोड़ देनी है, ये देखिए। फिर उसके बाद आपने इस रोटी को फिर आपने जो है बीच में से, देखिए रोटी बड़ी देर से यहां पड़ी पड़ी जो है ना सूख भी गई है, तो ये देखिए। फिर आपने इस रोटी को इस प्रकार से, देखिए रोटी जो है वो बड़ी ले लीजिएगा, थोड़ी सी थोड़ी बड़ी रोटी बनाइएगा, तो आपने किया। फिर उसके बाद आपने ये जो रोटी थी आपकी इसको भी आपने बीच में से काट लिया। अब आपने क्या करना है कि ये जो एक ट्रायंगल वाली रोटी जो है, ये ट्रायंगल वाली आपने की जो रोटी है ये आपने डालनी है, एक ही इतना सा पीस आपने डालना है कुत्ते को। अगर आप कुत्ते को जितना मर्जी और खाना खिलाते हो वो खिलाइए, मैं मना नहीं कर रही, आप बिस्कुट खिलाते हो, आप दूध पिलाते हो, लेकिन कुत्तों को कभी भी मीठे बिस्कुट नहीं खिलाने चाहिए। मैं अपनी हर वीडियोज में आपको बताती हूँ। तो आपने ये इतनी सी रोटी जो है वो लेनी है, अपने सर से 7 बारी वार कर
आपने रोटी जो है इस पे हल्का सा आपने एक ड्रॉप आपने यहाँ पर तेल लगा देना है और इसको जाकर काले कुत्ते को जाकर डाल देनी है। अब काला कुत्ता ना मिले, मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। इस रोटी पर ज्यादा तेल मत लगाइएगा, ज्यादा तेल आपको नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। आपने ज्यादा तेल नहीं लगाएंगे, जरा सी आपने बस एक बूंद टच करनी है, एक एक हिस्से पर, पीछे वाले हिस्से पर नहीं करनी है, सिर्फ एक हिस्से पर करनी है और जाकर आपने उसे कुत्ते को खिला देनी। काला कुत्ता मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो कोई से भी कुत्ते के आगे डाल दीजिए। अब ऐसा होता है कई बार कुत्ता आपकी रोटी को सूंघेगा, फिर उसके बाद वो खाएगा नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, इससे पता चलता है कि हमारे ग्रह कितने नेगेटिव हो रहे हैं। अगर वो खा लेता है तो बहुत बढ़िया, नहीं खाता है तो कोई बात नहीं, हम अगले दिन तो फिर ट्राई करेंगे। दूसरा ट्रायंगल का पीस जो आपने लिया था, ये आपने कौओं को डालनी है। तो कौओं को जब आप रोटी डालेंगे, इस पर हल्की सी आप मलाई लगा देंगे, मलाई। इस पर जो कुत्ते को लगाई थी आपने ये रोटी, इस पर हल्की सी आपने तेल लगाया था, और कौओं को लगाते समय एक हल्की सी दूध पर मलाई आती है, दूध पर मलाई नहीं है, घर पे बनी हुई मलाई नहीं है, तो हल्का सा दूध ही इस पर टच कर दीजिए। बस आपने टच दो तीन बूंदे दूध की डालनी है, इतनी ऐसा भी नहीं करना कि रोटी बिल्कुल गली जाए, तो आपने दो तीन बूंदे दूध की लगाकर इसको टच कर दीजिए। छोटी सी रोटी का आपने इतना सा ही पीस लेना है, ज्यादा जो भी इसके अलावा आप लोग उपाय करते हो, कौए को आप कितना कुछ खिलाते हो कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो मैंने आपको ये बताने जा रही हूं उपाय, ये आपको करना है, ये कौए को आपने डाल दी। तीसरी रोटी जो आपने ली है ये आपने कुत्ते को हो गई, कौए को हो गई, और ये जो रोटी आपने लेनी है, ये आपने लेनी है चींटियों के लिए। चींटियां होती हैं, वो आपको पता ही है कि पेड़ के किनारों पे चींटियों ने अपने बिल बना रखे होते हैं, तो वहां पर आपने जाकर ये जो है रोटी आपने जो है वो डाल देनी है। इसके छोटे 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 टुकड़े आप कर दीजिए। जो चींटियों को जब हम रोटी डालेंगे तो इस वाले पे आपने क्या लगाना है, एक ड्रॉप बूंद आपने देसी घी की लगा देनी है। देसी घी की आपने एक बूंद लगा देनी है इस वाली रोटी पर, और उसके बाद जो होगा कमाल वो आप देखेंगे। चींटियां जो है आपकी रोटी को खाएंगी, और आपके जितने भी कर्जे की समस्या है, आपके जीवन में कर्जा है, आपके जीवन में जितने भी दुख है, तकलीफें हैं, वो सब जो है आपकी छूमंतर वैनिश हो जाएंगी, सिर्फ ये छोटे से उपाय से। जी हाँ, छोटे से उपाय से। और उसके बाद जो चौथी रोटी आपने जो बनाई है, चौथी रोटी जो आपने रखी है, इसके ऊपर आपने क्या करना है, आपने थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा दूध की दो तीन बूंदे और थोड़ी सी चीनी इसके ऊपर डालकर, या मलाई की दो तीन बूंदे और दो तीन दाने चीनी के डालकर, चीनी के दाने थोड़े से डालकर, या आपने किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखकर आनी है, उन अज्ञात शक्तियों के लिए, उन चीजों के लिए जो आपको आपकी समझ से परे है। ये चौथी रोटी हम चौराहे पर भी फेंकवा सकते थे, लेकिन वहां से क्या होता है कि आपका मैं बुरा नहीं करना चाहती, दूसरे का बुरा मैं नहीं करना चाहती कि आपका अच्छा हो जाए दूसरे का बुरा हो जाए, ये हम नहीं चाहते, तो आप ये पीपल के पेड़ के नीचे रखेंगे। इस पर आपने क्या करना है, इस वाली रोटी पर आपने थोड़े से मलाई या फिर घी और साथ में दो चार दाने जो है चीनी के डालकर आपने जो है चुपचाप रोटी जो है पीपल के पेड़ के नीचे रख देनी चाहिए। अब लोग पूछेंगे संडे को रखें, मंडे को रखें, ट्यूजडे को रखें, कब रखें कब ना रखें, तो संडे को भी रख सकते हैं। पीपल के पेड़ को मेरे को समझ में नहीं आता, पीपल के पेड़ पर सामान रखने में क्या दिक्कत है, उसको पीपल के पेड़ को टच नहीं करना ना आपने, सामान रखने में क्या परेशानी हो रही है। संडे को भी आप सामान रख दीजिए, कोई ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, उतने वहम नहीं करने चाहिए। हाँ, जल चढ़ा रहे हैं तो वो ठीक है कि संडे को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। आप कुछ भी अपना कुछ खाने पीने का सामान अगर कुछ रखना होता है, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे बड़ी सारी अज्ञात शक्तियां होती हैं, कुछ अच्छी शक्तियां होती हैं, कुछ बुरी शक्तियां होती हैं, जब उनको भोग देना है तो हम देखिए हर सातों दिन हम खाना तो हम खाते ही है ना, तो इन दिनों में हम खाना खाते हैं तो हम ये भी जो है वो कर सकते हैं, तो ये आपको जो है वो करना है। और ये देखिए चार आपने जो है ये टुकड़े जो आपने लिए हैं, वो आप क्या करेंगे कि इन टुकड़ों को क्या करेंगे आप, जब चारों रोटी अगर टुकड़े आपने जब डालेंगे, और आपको ये कितने दिन तक डालने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी, जब आप डालेंगे तो आपको बहुत सुख शांति आपको महसूस होगी, आपको पीसफुल। आप हम क्यों इतना भाग रहे हैं कमाने के पीछे, भागे दौड़ कर रहे हैं हम, कमाना है, लेकिन हम उन चीजों को भूल जाते हैं जो हम इस जन्म में हम कर्म करने के लिए आए हैं। इस जन्म में हमारा क्या लक्ष्य है, क्या कर्म करने के लिए आए हैं, और कितना एक इंसान को खाना होता है। देखिए कमाना हर कोई चाहता है,
लेकिन उसको क्या खाना है। देखिए, काम करना एक पैशन होना चाहिए, पैशन, ये नहीं कि आप पैसों के पीछे कमा रहे हैं। आपका एक पैशन होना चाहिए कि हाँ मुझे काम करना है। अब जैसे मुझे क्या होता है कि मैं अपने घर पर नहीं बैठ सकती, मुझे एक होली की छुट्टी भी जो है, देखिए मेरे को अभी स्टाफ वालों को देनी थी, जो खेलने वाली होली है, छोटी होली पे तो मेरा पूरा स्टाफ आया ही था, और ऐसे ही छोटी दिवाली पर भी आते हैं तो दिवाली की एक छुट्टी होती है, तो मैं दिवाली पर एक छुट्टी और एक जो है होली पर छुट्टी, और कोई अगर बाय चांस 2 अक्टूबर हो गया और 15 अगस्त हो गया, ये 4 छुट्टी मैं पूरे साल में लेती हूँ, नहीं तो मैं अदरवाइज हमेशा अपने ऑफिस, मेरे घर और ऑफिस मेरे पास पास में ही है, तो मैं हमेशा जो है ऑफिस में पहुंच जाती हूँ और अपने ऑफिस में स्टाफ से कई बार तो पहले ही पहुंच जाती हूँ। आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, एक इंतुजियाज्म होना चाहिए कि आपको काम करना है। जब काम से आप प्यार करने लग जाएंगे ना, तो पैसा आपके पैरों की धूल होगा, आपके पैरों की मिट्टी की धूल होगा, और पैसा तो जो है ना हाथ की, कहते हैं ना, मैल है, तो वो जो है ना आपकी हाथ की मैल ही सही में कहलाएगा। जब आपके अंदर एक विश्वास हो जाएगा, अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप काम करके देखिए। और जो ये चीजें होती है ना, छोटे छोटे से उपाय होते हैं, इनसे क्या होता है, जानवरों का पेट तो भरता भरता है, लेकिन जानवर जो है वो खुद नहीं मांग सकते, वो खुद नहीं आपको मांगेंगे। और कुत्ता एक ऐसी चीज है जिसकी जो आवाज होती है उस, वो दरगाह, मतलब ये लगा लीजिए वो आपकी पूरी हेवन तक पहुंचती है, और उसकी जो आवाज होती है, और एक कहते हैं कि इन लोगों की जो भगवान बहुत जल्दी सुनता है, क्योंकि इनकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। केतु क्या होता है, सिक्स सेंस देता है, तो कुत्ते की सिक्स सेंस कितनी अच्छी होती है। वो क्या करता है, कोई चोर आने वाला होता है, कुछ आने वाला होता है, तो उनको जो है भौंक भौंक के इकट्ठा कर लेता है। अब देखिए, सुनामी भी जो आई थी, तो उससे पहले आपने देखा सुनामी में सारे जानवर, कोई जानवर मरा था, कोई जानवर नहीं मरा, क्योंकि जानवरों को पहले पता चल चुका था कि कुछ होने वाला है, तो वो अब किसी को बोलते थोड़ी, वो अपने एक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं कि कुछ होने वाला है, तो वो पहले ही जंगलों में वहां इधर उधर सारे जो है वो भाग गए थे। उसके बाद जो है ना, इंसान ही सबसे ज्यादा जो है उसमें मरा था। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूं कि अपने अपने ग्रहों पे कार्य कीजिए, और ये छोटे छोटे से उपाय होते हैं। क्या होता है कि हम एक रोटी तो बनाते ही है ना घर में, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए और अपने लिए हम खाना तो बनाते ही है, तो उसमें से एक रोटी अगर हम निकाल भी देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। घर में 4 सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं, तो 3 रोटी बनाइए। हाँ, अगर आपके पति जो है वो काम पर चले गए हैं, या आपकी वाइफ जो है वो वर्किंग है, वो चली गई है, और आप जो है लेट जा रहे हैं, या आपके बच्चों के पास रोज का टाइम नहीं है, तो आप अपने हाथ से उनकी रोटी भी डाल सकते हैं, उनके अपने हाथ से उनकी रोटी भी डाल दीजिए। जाते जाते उनके लिए भी आप यही 4 काम करते जाइए, एक कुत्ते को, एक कौओं को, एक आपने चींटियों के लिए, और एक आपने पीपल के पेड़ के नीचे ये रख के आइए। आप देखेंगे आपके जीवन में कहां तो पैसे की तो कोई कमी नहीं रहेगी, आपके पास कितना ऐसा आपके पास आएगा आपको समझ में ही नहीं आएगा। और लेकिन ये करना जो है वो 21 दिन तक तो कम से कम कीजिएगा, 48 दिन का प्रावधान होता है, लेकिन 21 दिन तो आप जरूर कीजिए, और कम से कम 7 दिन जरूर कीजिएगा। अगर नहीं भी कर सकते तो 7 डेज जो है वो आपको करना है। एक दिन बीच में भूल जाते हैं तो फिर आपको दोबारा से स्टार्ट करना है। छोटा सा उपाय है, और 4 जीवों को आप जो है ये भोग दे रहे हैं, तो आपके कितने सारे प्लैनेट्स जो हैं वो ठीक होते हैं। और दर्शकों, मैंने एक और सीरीज जो है आप लोगों के लिए शुरू की है, जिसमें हम जैसे मंत्रों की चैंटिंग हम करते थे, तो ऐसे ही हम वर्ड्स की चैंटिंग भी जो है वो कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको अपना एक नया वर्ड दिया था आप लोगों को, टुगेदर डिवाइन रीच फाइंड काउंट, टुगेदर डिवाइन रीच फाइंड काउंट। तो ये जो है, इसमें ऐसे ऐसे और वर्ड्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूं। आपको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है, आपको कोई डिजीज है, या आपको कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो है भाग्य कैसे उदय हो सकता है। तो दर्शकों, ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे सारे प्रोग्राम्स नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। मैं डॉक्टर साक्षी ठाकुर अपनी वाणी का यही विराम दूंगी, लेकिन आपको बोलना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और इंस्टाग्राम पर अब थोड़ी सी डिफरेंट वीडियोस हम लोग डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पर, वो होंगी शॉर्ट वीडियोस इंस्टाग्राम पर, और फेसबुक पर थोड़ा सा आपको मैटर जो है वो अलग मिलेगा, वो शॉर्ट वीडियोस होंगी। तो बड़े जैसे थोड़ा पूरा दिन बहुत बिजी हाईटेक शेड्यूल हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि रोज नया 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 आपको जो है वो चीजें आपको मिलती रहे। तो इसलिए हमारे इंस्टाग्राम को और फेसबुक को आचार्य साक्षी संजीव ठाकुर फेसबुक पेज है हमारा,
उसे लाइक शेयर और फॉलो जरूर कीजिए। और इंस्टाग्राम पे जो है आदित्य कुंडली के नाम से है या फिर साक्षी ठाकुर के नाम से है, तो उसे भी आप सर्च करके जो है फॉलो जरूर कीजिए। तो दर्शकों आज के लिए इतना ही, मैं साक्षी ठाकुर, राधे राधे।